अगर ये इंटरनल मैटर था तो फिर जब हमने कॉम्पोजिट डायलॉग किया, जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग किया, तो कश्मीर को शामिल क्यों किया उसमें? जब मसला ही नहीं है तो फिर आपने मज़ाकरात में उसको शामिल क्यों करते हैं? चाहे उन मज़ाकरात से कुछ निकला या ना निकला, वो तो एक और बहस है, लेकिन आपने उस पर बहस ही क्यों की? 180,000 एडिशनल ट्रूप्स की तैनाती से आपने एक नया इन्वेजन कर दिया है, तो फिर क्या करें? फिर पाकिस्तान क्या करें? फिर मजलूम निहत्ता कश्मीरी क्या करें? फिर हमने देखना है कि क्या हमें जनीवा की तरफ रुख करना है, न्यूयॉर्क के साथ साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल को देखना है, अगर इंसानी वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं तो हमें वो देखना होगा। जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज़ करना उससे भी आसान है, लेकिन एक एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है, क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बी अवेयर। पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को बाखबर रहना चाहिए। कोई वहां आपके लिए मुंतजर नहीं खड़ा कि कोई आपकी दावत के लिए वहां नहीं खड़ा। ये तो आपको एक नई जद्दोजहद का आगाज करना पड़ेगा। कोई ऐसा साजगार माहौल नहीं है। जी जी, कॉल है जी, मेरी अभी पोलिश फॉरेन मिनिस्टर से कॉल है, वो टाइम मुझे बता रहे हैं। जी सर, ठहरिए, आई हैव टू टेक द कॉल ऑफ द पोलिश फॉरेन मिनिस्टर जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का सदर है भाईजान, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। कॉल कहाँ हो रही है? आपके दफ्तर में। अच्छा, चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।